ऑर्गेनाइजेशनल मेमोरी की हम बात कर रहे हैं और उसका जो सबसे बड़ा तरीका है उसको स्टोर करने का वो लेसेंस लर्न है तो लेसेंस लर्न का जब हम काम करते हैं उसका कोई सिस्टम बनाते हैं तो उसके साथ साथ हमें उसकी असेसमेंट की भी ज़रूरत पड़ती है तो हमारे सामने कुछ असेसमेंट फ्रेमवर्क्स हैं आइए बारी बारी इनको देखते हैं कि ये क्या हैं असेसमेंट फ्रेमवर्कस और वराइटी ऑफ फ्रेमवर्कस कैन बी यूज टू असेस ऑर्गेनाइजेशनल लर्निंग

इसको हम डिफरेंट असेसमेंट फ्रेमवर्क की मदद से समझने की कोशिश करते हैं तो सबसे पहले जो ऑथर्स हैं जिन्होंने फ्रेमवर्क दिया उनका नाम है प्रॉप्स एंड बचल इन्होंने जो फ्रेमवर्क दिया उसके पॉइंट्स हैं सबसे पहला इसमें है नॉलेज द नंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल लर्निंग इंस्ट्रूमेंट्स कि वो कौन से इंस्ट्रूमेंट्स उनकी तादाद क्या है अब इसमें शामिल किया क्या है नंबर ऑफ टेक्निक्स फॉर फैसिलिटेटिंग लर्निंग नंबर ऑफ़ टेक्निक्स फॉर ब्रेकिंग डाउन बैरियर्स और तीसरा है प्रोसेस ओरिएंटेड यूज़ ऑफ टेक्निक्स कि कितनी टेक्निक्स अवेलेबल हैं जिसके नतीजे में हम इस काम को कर सकें जो लेसन लर्न के सिस्टम को बनाने का और उसको रन करने का काम है इसमें दूसरा पॉइंट है एबिलिटी एबिलिटी है द लर्निंग लेवल अब इसमें इसके कंपोनेंट्स क्या क्या हैं एबिलिटी टू कॉपरेट एंड पार्टिसिपेट एबिलिटी टू कम्युनिकेट एंड अचीव ट्रांसपेरेंसी एबिलिटी टू एनालाइज प्रॉब्लम्स एंड सोल्व कॉम्प्लेक्स इशूज़ और एबिलिटी टू स्टोर नॉलेज अब ये एबिलिटीज इससे मुराद उस ऑर्गेनाइजेशन की एबिलिटी है कि वो इन सारे कामों को किस हद तक करने के काबिल है इसमें एक और पॉइंट है वो है इंटेंशन द विलिंगनेस टू लर्न इंटेंशन में शामिल है क्रिएट्स अ स्ट्रक्चर विच इम्पार्ट मीनिंग कि ऐसा स्ट्रक्चर क्रिएट करने के काबिल है वो इदारा कि जिसमें मीनिंग पर बहस हो उसके बाद है बिल्ड ऑन एन एथिकल बेसिस एथिकल कोड क्या कोई उनका है या उसको बनाने के वो काबिल हैं और उसके बाद है वांट्स टू क्रिएट अ शेयर्ड वैल्यू सिस्टम एक शेयर्ड वैल्यू सिस्टम बनाने की उनमें ख़्वाहिश है उसकी ज़रूरत महसूस करता है वो इदारा इसके बाद दूसरा एक फ्रेमवर्क है जो कि ऑथर ने दिया मार्क्यूड uh, आर्ट Uh, इन्होंने इसमें जो पॉइंट्स दिए सबसे पहला पॉइंट है स्पीड ऑफ लर्निंग कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आप देखें कि लर्निंग का जो काम है उसकी स्पीड क्या है हाउ क्विकली द ऑर्गेनाइजेशन इज एबल टू कंप्लीट ईच लर्निंग साइकिल और वो साइकिल प्लानिंग से लेके कर इम्प्लीमेंटिंग और फिर नॉलेज की रिफ्लेक्शन तक है कि वो किस स्पीड से काम करते हैं दूसरा है डेप्थ ऑफ लर्निंग कि डीप कितना जाते हैं डिग्री ऑफ लर्निंग द ऑर्गेनाइजेशन अचीव्स ऐट द एंड ऑफ ईच साइकिल कि हर साइकिल जो उन्होंने उस लर्निंग के लिए किया उसमें अचीवमेंट कितनी की विच इट अचीव्स बाई क्वेश्चनिंग एजम्पन्स एंड इम्प्रूविंग इट्स कैपेसिटी टू लर्न इन द फ्यूचर कि जो उन्होंने सोचा था उसके मुताबिक उन्होंने कितना अचीव किया और फिर फ्यूचर में उसको ले कर कैसे चलेंगे और इन्होंने एक और पॉइंट दिया वो है ब्रेड्थ ऑफ लर्निंग कि किस हद तक उन्होंने कवरेज uh, उसकी की हाउ एक्सटेंसिवली द ऑर्गेनाइजेशन इज़ एबल टू ट्रांसफ़र द न्यू इनसाइट्स एंड नॉलेज ड्राइव फ्रॉम द इट्रेशन ऑफ द लर्निंग साइकिल टू अदर इशूज एंड पार्ट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ये जो लर्निंग का पूरा साइकिल किया इस साइकिल में से उन्होंने किस हद तक नॉलेज जो है वो सीखा और उस नॉलेज को वो किस हद तक दूसरे जो सेक्शंस या शोबे या प्रोसेसेस हैं उनके साथ रिलेट करने के काबिल हैं इसके बाद एक मेच्योरिटी लेवल है लेसन लर्न मेचोरिटी लेवल उसका नाम है उसके अंदर फाइव लेवल्स हैं जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की जो रेडीनेस है लेसन लर्न सिस्टम को बनाने और चलाने की उसको जाहिर करते हैं इसमें लेवल्स हैं इनिशियल रिपीटबल डिफाइंड मैनेज एंड ऑप्टीमाइज आइए इनको बारी बारी देखते हैं इसमें सबसे पहले इनिशियल लेवल है एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसने भी काम शुरू किया है लेसन लर्न आर डन इन एड हॉक मैनर एड हॉक बेसिस पे होता है यानि आर्जी तौर पर एंड देर क्वालिटी डिपेंड्स मोस्टली ऑन द स्किल्स एंड मोटिवेस ऑफ द इंडिविजुअल हु कंडक्ट दैम ये जो ऑर्गेनाइजेशन लर्निंग का काम है ये इनिशियल लेवल पर है और इंडिविजुअल पर ज़्यादा ये बेस करता है कि उनकी मोटिवेसन कितनी है उनकी स्किल कितनी है द प्रोसेस टेंड्स टू बी रिएक्टिव वन ट्रिगर्ड वेन आ मेजर प्रॉब्लम वर्कर्स रादर दैन इन अ प्रोएक्टिव और प्लान मैनर कि जो ऑर्गेनाइजेशन लर्निंग का काम है ये किसी बड़े मसले के नतीजे में ये काम होता है ये कोई रेगुलर बेसिस पर या किसी प्लानिंग के बेसिस पर नहीं होता इसके बाद दूसरा लेवल है रिपीटबल अब रिपीटबल में क्या हुआ है कि एक सिस्टम बनने की तरफ जा रहा है लेसन लर्न प्रोसेस इज़ मोर स्टैंडर्डाइज and there are policies and procedures in place for conducting them ki The policies aur procedures jo hain wo aa gaye hain samne aur ye kaam kuch hone lag gaya hai at this point team or group learning begins to take place isse jo pichla level tha usme learning sirf individuals ki hui thi individuals की मदद से हुई थी उन्हीं के लिए हुई थी अब यहाँ पे team learning जो है या group learning जो है वो होने लग गई और एक system बनना शुरू हो गया उसके बाद है defined lesson learned process. इज़ वेल डॉक्यूमेंटेड स्टैंडर्डाइज एंड फुल्ली इंटीग्रेटेड इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिस कि तो उनका जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का काम हो रहा है उसका एक हिस्से के तौर पर इसको करना शुरू कर दिया गया है ट्रेनिंग मेंटेनेंस एंड सुपरविजन रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर आइडेंटिफाइड एंड असाइंड कि एक स्टेप और आगे बढ़ के तो ट्रेनिंग किसने करनी है मैंटेन्स किसने करनी है ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो हैं वो असाइन कर दी गई हैं

आर इम्प्लीमेंटेड तो वो प्रोसेस भी चल रहा है और एक प्रॉपर सिस्टम की शक्ल में उसे इम्प्लीमेंट कर दिया गया है सिस्टम की मिसाल क्या है रिपोसिटी ऑफ लेसन लर्न अवेलेबल टू एवरी वन इन ऑर्गेनाइजेशन एक बाकायदा रिपॉसिटी की शक्ल में उनको महफूज किया जाने लगा है लेसन लर्न आर कंपनी वाइड एंड देर हैज़ बीन अ कल्चरल चेंज अब जो है लेसन लर्न का सिस्टम वो पूरी कंपनी या पूरी ऑर्गेनाइजेशन की बेसिस पर बन गया है और लोग जो हैं उससे फ़ायदा उठाते हुए एक कल्चरल चेंज जो है वो नज़र आनी शुरू हो गई है और इसमें जो आखिरी लेवल है इस फ्रेमवर्क में वो है ऑप्टिमाइज का ये सबसे हाईएस्ट है लेसन लर्नड आर ऑर्गेनाइजेशन वाइड एंड दे आर कंडक्टेड इन अ प्रोएक्टिव एंड कंसिस्टेंट मैनर एक सिस्टम बना दिया गया है कि जिसके तहत ऑटोमेटिकली ये काम होने लग गया है द ऑर्गेनाइजेशन हैज़ एम्ब्रेस्ड अ लर्निंग कल्चर एंड देर इज़ प्लेंटी ऑफ टाइम एलोकेटड फॉर रिफ्लैक्टिव एक्टिविटीज़ इसके लिए बाकायदा टाइम असाइन करना शुरू हो गई है कंपनी और अपने एम्प्लॉज़ को उन्होंने उनके ज़िम्मे लगा दिया है कि इस काम को रूटीन बेसिस पर करना है एक सिस्टम के तहत करना है इट इज़ पॉसिबल नाओ टू क्लियरली ट्रेस द इम्पैक्ट ऑफ लेसन लर्न ऑन क्वान्टिटेटिव एंड क्वालिटेटिव ऑर्गनाइजेशनल इम्प्रूवमेंट्स की ऑर्गेनाइजेशन में जो क्वान्टिटेटिवली फ़ायदा हुआ और जो क्वालिटी बेहतर हुई सर्विस की प्रोडक्ट्स की और प्रोसेस की उसमें लेसन्स लर्न जो हैं उसके सिस्टम को बनाने का जो बेनिफिट है जो फ़ायदा है वो ख़ास तौर पे अब नज़र आना शुरू हो गया है और ये एक रूटीन बन गई है इस सिस्टम को लेके चलना है